Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Prayagraj, which is now new name of Allahabad. And I am here with another video, and this time our video is on Indian English literature. And no doubt, we are going to discuss on how Indian English literature in its initial stage during our struggle for freedom, we were trying to shape our poetry and those who shaped such poetry, especially the poetry during our struggle was patriotic, sometimes feministic, sometimes it's related to our myths and many more sides. Sometimes we try to get some modern views. Today, we will discuss The Broken Wings by Sarojini, Naidu. So here is a poem which we find in two tones. Ek aur to yah praise ya tareef ki baat karti hai. To dusri aur yah sadness ko bhi show karti hai, but finally ek inspiration aur optimism ke saath ending ko leti hai. The broken wings ko study karne ke liye humne kuch yahan par points highlight kar rakhe hain jinki madad se isko study kiya hai, aur iske baad is poem ki jo lines hain unhe hum log line by line एक्सप्लेन करते हुए स्टडी करने की कोशिश करेंगे. सरोजनी नायडू की जो राइटिंग रहेगी अराउंड इंडियननेस, इंडियन सोसाइटी, इंडिया की फ्रीडम फाइटिंग के लिए स्ट्रगल, इसी के अराउंड मूव होती रही. चाहे आप पैलेंटीन बियरन को पढ़ते हैं या इंडियन मिस से भरी हुई द फ्लूट प्लेयर को पढ़ते हैं, या फिर आप द ब्रोकन विंग की बात कर रहे हैं, या फिर द वीवर्स की बात करें, वह अपनी पोयम में एक्चुअली इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं. यहां पर ब्रोकन विंग से रिलेटेड कुछ चीजें यहां हाईलाइट की गई. सरोजनी नायडू की चार स्पेशली कलेक्शन ऑफ पोयम जो रही वो फेमस रही, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, The Bird of Time, The Broken Wing, The Feather of the Dawn. इनमें से जो फर्स्ट पोएम का कलेक्शन इनका आता है 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड के साथ. गोल्डन थ्रेशोल्ड में हमें स्पॉन्टेनिटी इनकी दिखती है, इनकी मैच्योरिटी दिखती है, बट उस स्पॉन्टेनिटी और उस मैच्योरिटी से थोड़ा सा हटकर एक तरह के परेशान सोल या टूमल्ट ऑफ सोल को द ब्रोकन विंग, जो इनकी थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएम रहती है, उसमें दिखाया गया है. हालांकि इस कलेक्शन से पहले आई हुई द बर्ड ऑफ टाइम नाम की जो इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम 1912 में आती है, उससे कहीं बेहतर फिलॉसफी और रियलिटी को रिप्रेजेंट करती हुई एक कलेक्शन थी. द ब्रोकन विंग्स एक कलेक्शन ऑफ पोयम है, साथ ही साथ यह एक पोयम भी इस कलेक्शन में है. एक्चुअली इसके बारे में हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं. फर्स्ट पॉइंट के साथ चलते हैं. द ब्रोकन विंग वॉज पब्लिश्ड बाय जॉन लेन कंपनी न्यूयॉर्क इन 1917. दिस एंथोलॉजी वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर सेक्शंस, सॉन्ग ऑफ लाइफ एंड डेथ, द फ्लोरिंग एयर, द पीकॉक ल्यूट और द टेम्पल. Overall, there were 61 poems in all.
अगर इन पोएम्स के कलेक्शन की बात किया जाए तो फर्स्ट जो ग्रुप है द सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसमें 23 पोएम, और इसी ग्रुप से फर्स्ट पोएम के रूप में हमारे पास द ब्रोकन विंग है जो हमारे कोर्स में, सेकंड जो हमारे पास फ्लोरिंग ईयर में 6 पोएम्स इंक्लूड हैं, थर्ड पार्ट द पीकॉक ल्यूट जिसमें 8 पोएम्स को इंक्लूड किया गया, द टेंपल को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट पार्ट है द पाथ ऑफ टीयर्स, सेकंड पार्ट है द फर्स्ट पार्ट है द गेट ऑफ डिलाइट, सेकंड पार्ट है द पाथ ऑफ टीयर्स और थर्ड पार्ट है द सेंचुरी। एक्चुअली चाहे वो टीयर्स की बात करें या डिलाइट की बात करें या सेंचुरी की बात करें, द टेंपल के इन तीनों पार्ट्स में डिलाइट टीयर्स और सेंचुरी के टोटल 8 पोएम्स तीनों सेक्शन में, 24 पोएम्स इस तरह से इस ग्रुप में होती, टोटल 61 पोएम्स का यह कलेक्शन होता है जो 1917 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम गोपाल कृष्ण गोखले एंड हर फादर विद पैट्रियोटिक नोट इन क्वेश्चन आंसर पैटर्न। एक्चुअली इस पोयम को अगर पढ़ें तो इस पोयम के पीछे जो इंस्पिरेशन या बैकग्राउंड है वो गोपाल कृष्ण गोखले की मुलाकात है जो सरोजिनी नायडू से 1915 में होने के बाद सरोजिनी नायडू ने एक तरह से पॉलिटिकल ल्यूमिनरी जो हैं उनकी ओर गोखले की ध्यान को खींचने की कोशिश किया था कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में और भी अच्छे लीडर आ रहे हैं जो कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंस तक पहुंचा सकते हैं। उनका इंस्पिरेशन, गोखले का इंस्पिरेशन हमेशा ही सरोजिनी नायडू जी के लिए रहा। हालांकि 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपनी आखिरी सांसें लेनी पड़ी और यही वर्ष था जिस वर्ष हमारी पोएटेस सरोजिनी नायडू के फादर को भी अपनी आखिरी सांसें लेनी पड़ी। तो एक सैड ईयर था ऐसा माना जाता है कि आफ्टर 1915 इसे इन्होंने कंपोज किया होगा और अराउंड 1916 ये कंप्लीट रही होगी। इसको क्वेश्चन आंसर बेस किया गया है जहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि जो आंसर देने वाला पर्सन है वो इतना सैड क्यों है जबकि एक खुशी की लहर पेट्रियोटिज्म के रूप में इंडिपेंडेंस के रूप में सामने दिख रही है। सामने से इस तरह की चीजों को देखते हुए जो रिप्लायर है जो आंसरर है वो अपने आंसर में यह दिखाने की कोशिश करता है कि जो मिल रहा है केवल वो उसका ख्वाब नहीं है, सैड वो इस बात को लेकर क्योंकि उसे तो पूरा आसमां अपने ऊपर लेकर चलना है एक पेट्रियोटिज्म, दूसरी ओर अपनी विमेन को अवेकन करते हुए इस पोएम को कंपोज किया है सरोजिनी नायडू ने। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, इट इज डेडिकेटेड टू द ड्रीम ऑफ टुडे एंड द होप ऑफ टुमारो अवेकनिंग द इंडियन विमेनहुड टू द नीड ऑफ टाइम। क्वेश्चंस आर आस्क्ड by a male and the reply comes from a female। Actually जैसा मैंने आपको बताया इस poem के बारे में कि इस poem में एक dream एक सपने की बात की गई है और ये dream ये सपना कुछ ऐसा है जो आने वाले वक्त में इंडिया की आजादी के साथ इंडिया में रह रही औरतों की condition के लिए है, इसलिए इसको डेडिकेट किया गया है ड्रीम ऑफ टुडे के लिए और आने वाला जो टुमारो है वो होप से भरा हुआ है उम्मीदों से भरा हुआ है, इस तरह से दोनों के लिए डेडिकेशन ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ टुमारो के लिए है।
खासतौर से इंडियन वीमेन जो रही हैं, वो अपने आप को सोसाइटी में कम हिस्सेदार हमेशा मानती रही हैं, पार्टिसिपेट कम करती रही हैं, उनको अवेक करती हुई, उनको जगाने, उनको एनकरेज करने की कोशिश करती हुई है नायडू की पोयम है, जिसमें वो जरूरत जो वक्त की आन पड़ी है, केवल मैन इंडिपेंडेंस नहीं ले आ सकता है, केवल मैन फैमिली को नहीं चला सकता है, मैन को एक पार्टनर की हमेशा से जरूरत रही जो विमेन के रूप में उसके साथ रही। इस तरह से इंडिया की इस इंडिपेंडेंस की आजादी की जो यात्रा रही है, जर्नी रही है, उसमें भी उसे विमेन की जरूरत थी और उस चीज को यहां पर सरोजिनी नायडू प्रेजेंट किया है। क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय मेल। जैसे मैंने पहले बताया कि इस पोयम को क्वेश्चन आंसर बेस किया गया है, जहां पर क्वेश्चन पूछने वाला पर्सन जो है वो एक मेल है। सपोज किया जाता है कि यह क्वेश्चन पूछने वाला मेल कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिनकी मुलाकात के बारे में मैंने बताया कि 1915 में मुलाकात हुई, और रिप्लाई करने वाली एक फीमेल है, और यह फीमेल कोई और नहीं, इंडिया की कोई भी एक औरत हो सकती है जो इंडियन इंडिपेंडेंस से इंस्पायर्ड रही, पैट्रियटिज्म से भरपूर रही, और वह कोई और नहीं बल्कि पोएटेस के रूप में सरोजिनी नायडू को माना जाता है। इस पोयम के लिखने के बाद सरोजिनी नायडू को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे यहां पर एडमंड घोष ने अपनी बात को कहा था, द नोट ऑफ गर्लिश एक्सटेसी हैज पास्ड एंड दैट ऑफ ग्रेवर म्यूजिक हैज टेकन इट्स प्लेस। मींस अगर आप इसके पहले किनकी पोयम पढ़े, चाहे वो इनकी फर्स्ट कलेक्शन गोल्डन थ्रेशोल्ड से हो या फिर सेकंड कलेक्शन द वर्ड ऑफ टाइम से हो, वहां पर आप नायडू को एक ऐसी गर्ल के रूप में पाएंगे जो अपने टाइम को एंजॉय करती है, जो अपने वक्त को एंजॉय करती है, और एक ऐसी लाइफ, एक इमेजिनेशन की लाइफ जीती है, जहां पर वह एक ऐसे वर्ल्ड की ओर, जैसे गर्ल होती है ख्वाबों सपनों की दुनिया से भरी हुई, बट यहां की जो दुनिया है वो एक तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में इंडियन पेट्रियटिज्म के साथ आती हुई एक नई और ग्रेवर म्यूजिक, जैसे यहां देख सकते हैं, ग्रेवर म्यूजिक के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। वी कम टू सी कि सरोजिनी नायडू एक ऐसी कैरेक्टर रही हैं जिनसे दुनिया के भी लिटरेचर के पर्सन जो रहे हैं, चाहे वो अल्दोज हक्सले क्यों न रहे हो, काफी इंस्पायर्ड रहे। यहां तक कि अल्दोज हक्सले ने अपने 1926 के विजिट में सरोजिनी नायडू को मिलने के बाद, जो उस समय कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर हर इंडियन पॉलिटिशियन सरोजिनी नायडू जैसा हो जाए तो निश्चित तौर से यह एक तरह का गोल्डन टाइम होगा इंडियन इंडिपेंडेंस का और साथ ही साथ इंडियन फ्रीडम फाइटिंग का। इस पोयम की टाइटल द ब्रोकन विंग अगर देखा जाए तो अपने आप में एक ऐसी दशा को दिखा रहा है जहां पर जो उड़ने के लिए काम आने वाले विंग हैं वो ब्रोकन हैं। डेफिनेटली हमारी विमेन की कंडीशन की ओर, जिनके विंग को ऑलमोस्ट हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने हमेशा तोड़ कर रखा हुआ है, उसकी ओर हमारा ध्यान लेकर जाता है, और साथ ही साथ इस ओर भी लेकर जाता है कि वह फीमेल कोई और नहीं, हमारे इंडिया भी हो सकती है, जैसा कि हम लोग अपनी आजादी के समय में अपने देश को भारत माँ के नाम से संबोधित करते थे, और वह अपने विंग्स के टूटे हुए विंग्स होने के बावजूद किस हौसले की बात करती है, उसके बारे में इसमें बात किया गया। तो इंडियन वीमेन की बात किया जाए या इसके बारे में, इस पोयम की टाइटल के बारे में तारा अली बेग ने कहा था, द टाइटल ऑफ दिस पोएटिकल वॉल्यूम हैज बीन कैरेक्टराइज्ड टू बी सागा ऑफ हर इमोशन। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अली बेग का यह कहना कि यह सागा ऑफ हर इमोशंस है, यह पूरा कलेक्शन जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं ब्रोकन विंग का, वो पूरी तरह से सरोजिनी नायडू के एक इमोशन का सागा है, इमोशन का उमड़ाव है, गाथा है, किस तरह से सरोजिनी नायडू के मन में
इस तरह के उमड़ाव आ रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस और अपने टाइम को लेकर के, उसको खास तौर से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। तो अली बेग सीम्स टू बी वेरी करेक्ट इन द वर्ड दैट कि ये जो पोयम है इसका जो टाइटल है वो खुद ब खुद इंडिकेट करता है कि किस तरह से सरोजनी नायडू अपने इमोशंस को एक सागा के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करती हैं। अब हम लोग मूव करते हैं इस पोयम के टेक्स्ट की ओर, जिसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मेल पार्टनर या मेल जो स्पीकर है, जो क्वेश्चन करने वाला है, वो किस तरह से अपनी बातों को हमारे सामने रख रहा है और किस तरह से उसके रिप्लाइज को, उसके क्वेश्चंस का रिप्लाई देते हुए फीमेल पार्टनर। दोनों में कंट्रास्ट ये है कि जो मेल पार्टनर है वो अपने आप में खुशी को जाहिर करता हुआ एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू को लेकर के चलता हुआ दिखता है, लेकिन जो फीमेल स्पीकर है वह अपनी बातों को लास्ट में ऑप्टिमिस्टिक जरूर करती हैं, लेकिन उसके पहले वो कुछ सवाल पूछ करके इंडियन सोसाइटी में वीमेन के रोल और वीमेन की कंडीशंस को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं इस पोएम की लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं। द ग्रेट डॉन ब्रेक्स, द मॉर्नफुल लाइट इज पास्ट, From her deep age long sleeps, she wakes at last. The great dawn breaks. जो question करने वाला speaker है वो female को address करते हुए कहना चाहता है कि great dawn breaks, आप तो एक बड़े और एक अच्छे, एक शुभ dawn की, अरुणोदय की, एक अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। The mournful night is past, जिसका यह मतलब है कि नाइट का जो दुख भरा अंधेरा था, जो हमारे ऊपर आई हुई परेशानियों का वक्त था, जो गुलामी की जंजीर का जकड़न था, वो पास्ट हो रहा है, वो हमसे दूर जा रहा है, हमसे अलग हो रहा है, और इस अंधेरे के कटने के बाद से, दुख के वक्त के कटने के बाद, एक सवेरे का वक्त हमारे पास आ रहा है जो एक ग्रेट डॉन के रूप में आ रहा है। फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप्स शी वेक्स एट लास्ट, और इस तरह से वो हमारी जो डीप एज लॉन्ग स्लीप्स में सोई हुई शी है, हमारी सोसाइटी की जो महिला है, हमारी सोसाइटी की जो फीमेल पर्संस हैं, जो एजेस से, युगों युगों से सोती रही गहरी नींद में, अब उनके उस मॉर्नफुल नाइट का एंड हो चुका है। उस मॉर्नफुल नाइट के एंड होने के बाद जो यह ग्रेट डॉन आ रहा है, उस ग्रेट डॉन में उसके वेक करने का, उसके जगने का यह वक्त आ गया है, उसके सामने आने का यह वक्त आ गया है, उसे सामने आना चाहिए और इस ग्रेट डॉन को सामने आते हुए देखना चाहिए। खुशी का पल है, उसे अपने इस दुख भरी दुनिया को छोड़कर खुशी के वक्त में आना चाहिए। पैट्रियोटिक अगर टोन लेते चले तो पैट्रियोटिक टोन में देख सकते हैं हिस्टोरिकली कि इंडिया ऑलमोस्ट 200 इयर्स सर्विट्यूड में रही, गुलामी में रही है, और 1857 के बाद हमने एक कोशिश करना शुरू किया जहां पर अपने आप के लिए आजादी हमने मांगी, और गोपाल कृष्ण गोखले इस इंडियन इंडिपेंडेंस के शुरुआत करने वाले लोगों में से एक थे। उनकी बात भी सही थी क्योंकि अब धीरे धीरे, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंडिया से हेल्प मांगा था ग्रेट ब्रिटेन ने, और हमने हेल्प किया भी था वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, तो एक ब्राइट कलर, एक सही वक्त देखने का वक्त आ रहा। तो दो आइडियाज एक साथ चल रहे हैं, एक और इंडियन वीमेन की स्टोरी है तो दूसरे इंडियन फ्रीडम की स्टोरी, एक और जहां पर इंडियन वीमेन हमारी सोसाइटी में सर्विट्यूड डोमिनेंस का शिकार रही है, उसी तरह से हमारी कंट्री भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर सर्विट्यूड और गुलामी का शिकार रही है। दोनों के जगने का वक्त आ रहा है, दोनों के लिए खुशी का पल आ रहा है, दोनों के लिए अरुणोदय होने वाला है। स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स ऑफ ग्लैडनेस ओ, fresh lips to the returning wind of hope, sweet and long slumbering birds of gladness hope, gladness ki khushiyon se bhare hue jo sweet aur long slumbering birds hain, lambe waqt se jo slumber karti hui,
सोती हुई नींद में डूबी हुई जो बर्ड्स थी, जो कलियां थी, उनके खिलने का वक्त आ गया है और वह ग्लैडनेस को अपने साथ खुशियों को लेकर के ओपन हो रही है, खुल रही हैं, फ्रेश लिप्स टू द रिटर्निंग विंड ऑफ होप। और इनके खुले हुए लिप्स, इनके खुली हुई पंखुड़ियां जो हैं फूलों की, वह हमारे लिए रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप, आती हुई, वापस आती हुई हवाओं के साथ जो उम्मीद की महक है, उस उम्मीद की महक को लेकर के ये कलियां, ये खिलती हुई पंखुड़ियां हमारे पास आ रही हैं। और ईगर हार्ट्स रिन्यू देयर रेडियंस फ्लैट, हमारे ईगर हार्ट्स, हमारे मन जो हर समय से उत्सुक रहे थे, हमेशा एक डिजायर थी, एक एगरनेस थी कि हम अपनी कंट्री को आजाद होता हुआ देखें, हम अपने इंडियन विमेन को अपने साथ पार्टिसिपेट करता हुआ देखें। वह ड्रीम हमारे हार्ट्स में रिन्यू हो रहे हैं, हमारे हार्ट्स में फिर से तरोताजा हो रहे हैं। दे आर रेडिएंट फ्लैट टुवर्ड्स द ग्लोरी रेनेसेंट लाइट, दे आर रेडिएंट फ्लैट। और ये जो हमारी उम्मीद की हमारी जो किरण थी, वह हवा में शामिल होकर के हमारे हार्ट, हमारे फीलिंग, हमारे ईगर हार्ट्स को महसूस कराती हुई देयर रेडिएंट फ्लाइट अपनी चमकदार उड़ान के साथ, उम्मीद से भरी हुई उड़ान के साथ उड़ चली हुई है टुवर्ड्स द ग्लोरी रेनेसेंट लाइट, एक ऐसी ग्लोरी की तरफ जो एक रेनेसेंट लाइट की बात करती है, एक नए रोशनी की बात करती है, एक नए युग की शुरुआत की बात करती है। तो अब वापस पीछे जाकर के वो मॉर्नफुल नाइट को सोच करके दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की जरूरत है। एक नया वक्त हमारे सामने आ रहा है जो उम्मीद से भरा हुआ है, जो खुशबू से भरा हुआ है, जो खुशियों से भरा हुआ है। ऐसी दुनिया की ओर हम एक फ्लाइट ले रहे हैं जो हमें एक रेनेसेंस लाइट देने वाली है, एक नई रोशनी देने वाली है। लाइफ एंड ऑल लैंड अवेट देयर डेस्टाइंड स्पे, हमारी जिंदगी, हमारा जो जीवन है या हमारे साथ जुड़ा हुआ जो हमारी लैंड है, हमारी मातृभूमि है, वह सभी अवेट देयर डेस्टाइंड स्पे, वह अपने डेस्टाइंड स्प्रिंग को नसीब में लिखे हुए खुशी के बसंत के मौसम के लिए अवेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अर्थात हमारे देश के लिए खुशी का वक्त आने वाला है, हमारी लाइफ के लिए खुशी का वक्त आने वाला है, हमारे बीच में रहने वाली हमारी औरतों के लिए खुशी का वक्त आने वाला है। तो फिर क्यों सॉन्ग वर्ल्ड हे गीत से भरी हुई मेरी सॉन्ग वर्ल्ड व्हाई डस दाउ बियर अ ब्रोकन विंग्स, ऐसा क्यों है कि जब सब कुछ खुशियों से भरा हुआ है, उस वक्त भी तुम्हारे पास एक ब्रोकन विंग है, एक टूटा हुआ मन है, एक टूटा हुआ पंख है। इस टूटे हुए पंख के साथ कैसे हम रेडिएंट फ्लाइट लेंगे, कैसे हम एक चमकदार उड़ान लेंगे, कैसे हम एक रेनेसेंस लाइट की ओर जाएंगे? क्यों उदास हो जबकि सारे और खुशियों का माहौल है, उम्मीद की किरणें दिख रही? ये सारे सवाल मेल पार्टनर ने एक ऑप्टिमिस्टिक टोन के साथ पूछ लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा पल दिख रहा था जिसमें सारी खुशियां हैं। फीमेल पार्टनर क्वेश्चंस के साथ एक जवाब देती हुई, जिसको हम लोग इंट्रोगेशन या रेटोरिक क्वेश्चन भी कहते हैं, तो रेटोरिक क्वेश्चन के साथ या इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच के साथ वो अपने जवाबों को भी देती हैं और सवाल भी पूछती हैं, आंसर के रूप में रिप्लाई आते हैं। Shall spring that wakes mine ancient land again call to my rent and suffering heart in vain? आप बात कर रहे हो बसंत की, आप बात कर रहे हो खुशी के आने वाले पल की, ये बसंत that wakes mine ancient land, जो मेरा ancient land है, जो मेरी पुरानी दुनिया है, मेरी पुरानी जमीन है, पुरानी हमारी धरती है, उस धरती को, उस लैंड को, जमी को जो जगाने का काम कर रहा है,
कॉल टू माई वायलेंस सफरिंग हार्ट इन बिट. क्या आपको लगता है कि वह बसंत का मौसम मेरे लिए, खास तौर से मेरे वाइल्ड और सफरिंग हार्ट के लिए, मेरा उत्तेजित और अनियंत्रित रहने वाला मन जो दुख से भी कभी कभी भरा होता है उसके लिए वैन में होगा, बेअसर होगा? अर्थात जब आप ये सोचते हैं कि यह बसंत का मौसम आपकी जमीन को खुशियों से भर देगा, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि ऐसे मौसम में मैं अपने टूटे हुए विंग्स को लेकर के उदास बैठी हूं? मैं इंडियन वीमेन हूं, मैं भी अपनी जमी की तरह खूबसूरत, मैं भी अपनी जमी की तरह महकना और अपनी जमी की तरह अपने लोगों के लिए खुशियां देने के लिए तैयार हूं. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो बसंत का मौसम हमारे देश को खुशियों से भर रहा है, हमारी जमीन को खुशियों को भर रहा है, वह मुझे और मेरे सफरिंग हार्ट, इस वाइल्ड हार्ट को इन वेन क्या व्यर्थ में टच करके जाएगा? एक तरह से सवाल पूछते हुए जवाब दे रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. और फेट्स ब्लाइंड एरोस स्टिल द पल्सिंग नोट ऑफ माय फार रीचिंग फ्रेल अनकॉन्क्वर्ड थ्रोन. और या फिर फेट्स ब्लाइंड एरोस, फेट नसीब जो हर वक्त हर पल अपनी ब्लाइंड एरोस को चलाता है, ये नहीं देखता है वह कि उसके एरोस से मासूमों की जान जा रही है, बेकसूरों की जान जा रही है, कोमल लोगों की जान जा रही है, बल्कि वह ब्लाइंड एरोस हर किसी को बेरहमी के साथ जो शिकार करता रहता है. स्टिल द पल्सिंग नोट, जो पल्स वाली नोट हैं, चलने वाली जो हमारे धड़कने हैं, जिनको वह अपनी इस ब्लाइंड एरोस से स्टिल कर देता है, खामोश कर देता है. ऑफ माई फॉर रीचिंग, क्या वह मेरे फॉर रीचिंग, दूर की उम्मीद रखने वाले अर्थात उम्मीदों से भरे हुए फ्रेल, कमजोर जरूर हो गया है, वीक जरूर हो गया है, अनकंफर्ट थ्रोट, हमारे इस अनकंफर्ट थ्रोट को, इस अजेय जिसे आज तक कोई शांत न कर सका, कोई जीत न सका, कोई चुप न करा सका, उस थ्रोट को क्या या फेट की ब्लाइंड एरोस शांत कर पाएंगी? अर्थात हम इंडियन विमेन हैं, हम इंडियन सिटीजंस हैं, जिसे कोई भी शांत नहीं कर सका है, क्या वह अपने रोल को, रिमेम्बर मैंने आपसे कहा है कि इंडियन विमेन को भी इसमें एक तरह से एनकरेज किया जा रहा था कि वह इंडियन इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करें, उसी के लिए आपने कहा कि जिस औरत को लंबे लंबे युगों से डोमिनेंस दबा कर नहीं रख सकी, क्या सच में या वक्त का जो चलने वाला तीर है, एरो है, क्या वह उसे शांत रख सकेगा कभी? क्या उसके थ्रोट को, उसके गले को कभी वह कंक्वायर कर सकेगा? क्योंकि आज तक कितनी भी परेशानियां क्यों न रही हो, लेकिन उसके गले को कोई शांत, कोई दुखी नहीं पहुंचा सका, कभी उसको कंक्वायर नहीं कर सका. अजय रहा है हमारा ये थ्रोट. और वीक ब्लीडिंग पिनियन डॉन डॉट है, या फिर ये वीक ब्लीडिंग पिनियन, मैं जानती हूं मेरा जो पिनियन है, मेरा जो पंख है, वह ब्लीडिंग कर रहा है. मैं जानती हूं मेरा जो पंख है उसे काट दिया गया, ब्रोकन है, लेकिन इसके बावजूद डॉन का टायर, चाहे मैं डॉन ही क्यों न करी जा रही हूं, अर्थात मुझे हताश करने की कोशिश ही क्यों न किया जा रहा हो, क्या मैं चलते चलते अपने टूटे हुए इस विंग के साथ क्यों न टायर हो गई हूं, थक क्यों न गई हूं? माई फ्लाई टू द हायर रियल्म ऑफ माई डिजायर. आप जानते भी हो कि मेरी फ्लाइट क्या है. मेरी फ्लाइट है मेरे डिजायर की रेल्म जहां जाती है, मेरे ख्वाबों की दुनिया जहां जाती है, मेरे उम्मीदों, मेरे डिजायर, मेरी इच्छाओं का जो रेल्म है, जो दुनिया है, उस दुनिया की फ्लाइट मैं करना चाहती हूं, उस दुनिया को मैं उड़ान भरना चाहती हूं. तो मेरी उड़ान, मेरा रुकना ये नहीं है कि मैं थक गई हूं, मैं टायर्ड हो गई हूं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती हूं.
मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, बस मेरी उड़ान इतनी ऊंची है कि उस उड़ान से पहले मैं सोचना चाहती हूं। थोड़ा सा यहां पर जो पॉइंट है, ऐसा ही पॉइंट जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में भी दिखाने की कोशिश किया है, जहां पर वो अपनी एपिक पोयम को इंटेंड टू शोर अबाउट ओरियन माउंट की बात किया है विद नो मिडिल फ्लाइट। वहां पर उन्होंने कहा था कि उनकी जो उड़ान है वो मिडिल फ्लाइट के साथ नहीं है, अर्थात वह हाईएस्ट फ्लाइट लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही डिजायर यहां पर सरोजिनी नायडू ने कहा है कि माई फ्लाइट टू द हाई रेल्म्स ऑफ माई डिजायर। ये जो मेरे ब्लीड करते हुए खून में भीगे हुए कमजोर हो चुके थके हों या फिर हताश करने की कोशिश किए गए हों, ये जो मेरे पंख हैं इनको देखकर आप सोचिए नहीं कि मैं रुक गई हूं, क्योंकि मेरा जो डिजायर है उस डिजायर की हाइट पर जाकर, उस डिजायर की ऊंचाई पर जाकर मैं उड़ान भरना चाहती हूं। बिहोल, सावधान रहिए, आप हमें कम मत आकिए। आई राइज टू मीट द डिस्टेंट स्प्रिंग, क्योंकि मैं तैयार हूं उस स्प्रिंग से मुलाकात के लिए जो डिस्टाइंड है, जो पूर्व निर्धारित है हमारे देश की आजादी के लिए, जो पूर्व निर्धारित है हमारे देश की औरतों के लिए। मैं औरत उस डिस्टाइंड स्प्रिंग के लिए, उस नसीब से भरे हुए बसंत के मौसम के लिए तैयार हूं। एंड स्केल द स्टार्स अपॉन माय ब्रोकन विंग्स, और मैं वो उड़ान भरूंगी कि संपूर्ण आसमान पर खिले हुए सितारे मेरे पंख को छू रहे होंगे, अर्थात मैं अपनी इस उड़ान से आसमान की ऊंचाई तक जाऊंगी, जिस ऊंचाई तक आज तक कोई न गया हो, उस ऊंचाई तक मैं। टूटे हुए विंग्स हैं तो क्या हुआ, उस आसमां को छूने की मैं हैसियत रखती हूं। एंड स्केल द स्टार्स, मैं उन सितारों को स्केल करने की बात करती हूं, नाप लेने की बात करती हूं, अपॉन माय ब्रोकन विंग्स, अपने टूटे हुए विंग्स या पंखों की मदद से। कुछ ऐसी ही बात हमेशा ऑप्टिमिज्म में आती है। मन को कभी नहीं हारने देना चाहिए, क्योंकि मन जब जीतता है तो इंसान भी जीतता है। ऐसी ही बात सरोजिनी नायडू ने अपनी इंडियन वुमेन और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को संदेश दिया है जो उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक्टिव थे। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग इंग्लिश किंगडम अलावा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग अस। कॉन्टैक्ट अस फॉर नोट्स एंड क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।